पवई में कांग्रेस की क्षेत्रीय संघर्ष समिति ने संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी प्रत्याशी के विरोध में क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग को लेकर संकल्प लिया गया। इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के कांग्रेस नेताओं ने भारी प्रत्याशी के विरोध के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासन को कुशासन बताते हुए तीखा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में कोई भी काम बिना कमीशन के नहीं होता है। विधानसभा कांग्रेस क्षेत्रीय संघर्ष समिति की संकल्प सभा थी। हमारे पवई विधानसभा की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो जब से देश आजाद हुआ आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे हमारे रैपुरा, सुनमानी, कलदा, कृष्णगढ़, मुड़वारी जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय की सख्त आवश्यकता है। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज नहीं है, पवई में गर्ल्स कॉलेज की स्थापना होना चाहिए। हम क्षेत्रीय प्रत्याशी इसलिए भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की कुशासन, भ्रष्टाचार, अराजकता, कमीशनखोरी, दलाली को मिटाने के लिए। कल सभा का सीधा सा प्रस्ताव ये था कि जो विगत 20 वर्षों से हम क्षेत्रीय समिति निरंतर यह प्रयास कर रही कि हमें क्षेत्रीय विधायक चाहिए। हमने अपनी उम्र गुजार दी कि जिसमें बाहरी लोगों को यहाँ से जिताकर भेजा, ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भक्ति कहिए या हमारी भूल कहिए, हम उसे सुधारना चाहते। इसलिए निरंतर हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय व्यक्ति को ही यहाँ का विधायक बनाना चाहते हैं। उनमें से अंगड़ा हो, पिछड़ा हो, महिला हो, कोई भी, हमारे पास सभी प्रकार के प्रत्याशी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा तब सामने नजर आती है, जैसे कि पन्ना हीरा की नगरी जानी जाती है,